स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर कबूतर हिंदुस्तान में। और आज हम बात करेंगे कबूतर के सुखे की। बहुत सारे भाइयों की कमेंट आई और सभी भाइयों ने यह अनुरोध किया कि सुखे के इलाज के बारे में कुछ बताएं। YouTube चैनल आर कबूतर हिंदुस्तान में। और आज हम बात करेंगे कबूतर के सुखे की। बहुत सारे भाइयों की कमेंट आई और सभी भाइयों ने यह अनुरोध किया कि सुखे के इलाज के बारे में कुछ बताएं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको सुखे के बारे के इलाज के बारे में। और जब कबूतर जो सुखे में आता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हो दोस्तों? आप सभी को पता होगा कि जब कबूतर सोखे में आता है तो उसकी जो हड्डी होती है वो बाहर निकल आती है और कबूतर बिल्कुल कमज़ोर होके बिल्कुल ऐसे हो जाता है। वो खाना पीना छोड़ देता है, दाने खाना छोड़ देता है, सिर्फ पानी पीता है। और इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे और भी कि जब ये खाना छोड़ देता है, सिर्फ पानी पीता है, तो ये बिल्कुल जो बीट है बिल्कुल पतली करता है। और हरी जो बीमार कबूतर होते हैं हम बोलते हैं, वो हरी बीट करता है। और जो ये हड्डी मैं दिखा रहा हूँ आपको सेंटर वाली, ये वाली हड्डी, ये कबूतर ठीक है, इसकी हड्डी निकली नहीं हुई है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ एग्जांपल के तौर पे। इस प्रकार से कबूतर की जो है हड्डी निकल जाती है और कबूतर सूख के बिल्कुल आधा हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इसके बहुत सारे उपाय इलाज आपको YouTube पर पहले भी मिल गए होंगे, लेकिन जो ये वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं, ये वीडियो बहुत कम लोग आपको दिखा पाएंगे इस प्रकार से विद एग्जांपल। इसके 4 से 5 उपाय हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा, और उसका क्या किस तरीके से आपको दवाई का यूज करना है, इस्तेमाल करना है, मैं वो चीज़ें भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब कबूतर बीमार होता है ना, तो हमें उसको दाना जो है अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। और दूसरा, हम लीवर पाचन क्रिया के लिए सबसे अच्छी होती है उस दौरान पे, तो हमें लीवर 52 की जो डोज है उसको कम से कम एक ड्रॉप उसकी और एक ड्रॉप ब्रोटोन जेल, पावर जेल है जो इसकी शक्ति को बढ़ाएगा। और दोस्तों, इसको खिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम किस प्रकार से इसको खिलाएंगे, सिरिंज या जो सुआ होता है हम बोलते हैं, तो उसे हमें लेना है और उसमें जो ड्रॉपर होता है, बच्चों को जो दवाई पिलाते हैं उनके लिए एक ड्रॉपर आता है, उसमें बिल्कुल एक ही वो ड्रॉप उठाएगा शीशी में से। तो एक एक ड्रॉप हमें 3 से 4 दिन लगातार देनी है, तो फाइनली जो हमारा कबूतर है दाना खाना भी शुरू कर देगा और उसके शरीर में आपको हलचल दिखाई देगी कि अब वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। इसका कारण ये होता है कि कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते, 2-3 दिन अगर हो जाते हैं तो कबूतर जो है बीमार होके मर भी जाता है या फिर और भी कबूतर में बीमारी आ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें कबूतरों को से अलग कर देना चाहिए उसको, और जो दाना होता है वो हमें पानी में भिगो के रखना होता है, क्योंकि अगर दाना बाजरा या अनाज चना ये अगर हम सूखा डालेंगे तो उसको जो है उसके शरीर के अंदर वो सोखे में आ जाएगा और उसके शरीर के अंदर जो खुश्की आएगी, जिसके कारण वह सिर्फ पानी पानी पिएगा। और इसका कारण ये होता है कि ये जब भी कबूतर ज़्यादातर सोखे में आते हैं, या तो हम कबूतर को उड़ते हुए कबूतर को कैच कर देते हैं, उसके ऊपर काट देते हैं, या फिर जो गर्मी का जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उस दौरान पे कबूतर एक कोने में बैठा होता है, या अंडे बच्चे वाला कबूतर होता है वो सोखे में आता है। तो दोस्तों, और भी अनेक ऐसे कारण हैं जिसके जो आपको दिखाई देंगे अगर आपका कबूतर सोखे में आ जाता है। पंजाबी में इसको बोलते हैं सोखड़ा या सोखे, और हिंदी में इसको बोलते हैं सूखा। सूखा मतलब सूख जाना, बिल्कुल कमज़ोर हो जाना। तो इस वीडियो में मैं आपको जो तरीके हैं वो अलग अलग तरीके से मैं आपको वीडियो बताऊंगा, दिखाऊंगा, और जितने भी मेरे नए भाई इस चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो से जुड़े हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो पिछले वाला चैनल है वो किसी कारण बंद हो गया था, किसी ने हैक कर लिया था। उसमें 1.5 लाख जो अपने कबूतरबाज भाई जुड़े हुए थे। ये नया चैनल है, इसमें सिर्फ 1 या 2 हज़ार अभी जो हमारे कबूतर प्रेमी भाई जुड़े हुए हैं। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इलाज मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ और टैबलेट की जो है फ़ोटो वगैरह जो आप मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, और आपको शायद इस वीडियो को देखकर ऐसा फील हुआ होगा, और जब आप इस उपाय को इस्तेमाल करोगे तो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि आपका कबूतर बिल्कुल 2 या 4 दिन में आप दाना भी खाना शुरू कर देगा और वह सोखे से भी बाहर आएगा। दोस्तों, हमारे जो पले पले जानवर है 20-30 साल पुराने, अगर वो बीमारी के कारण मर जाते हैं तो बहुत दुख आता है। हम बड़े शौक से उनको पालते हैं। तो अभी शुरू करते हैं दूसरा उपाय कि हमें क्या करना चाहिए सोखे के इलाज में, वो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। तो दोस्तों, सिप्रोबिड 500 mg, हिमालय लीवर 52, हिमालय जेसेक्स, एंडिश सुपरडाइन, ओस्ट्रा और सिलाजीत, इनकी जो है टैबलेट जो है यूज करनी है। एक कैप्सूल है इसमें खाली, और दवाइयों को हम एक पाउडर बनाकर उसको जो है पाउडर बना लेना है, और उसको मिक्स करके अच्छे तरह से ग्राइंड करके उसको जो है हमने एक बोतल में डाल लेना है, और उसको 0.25 ml जो है हमें सुएं में जो है सिरिंज में हम बोलते हैं उसका जो पिछला हिस्सा उसको निकाल कर उसमें 0.25 ml उसमें डालकर उसमें 10 से 15 ml पानी मिक्स करके हमें पिलाना है। हो उसके दोस्तों पानी थोड़ा नरम या गर्म करके थोड़ा ठंडा करके उसको तब पिलाना है। जो जो यह टैबलेट आपको दिखाई दे रही है, सातों की सात दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर आसानी के साथ मिल जाती हैं, और बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा है, सिंपल सा एक फैक्ट है इसको हमें यूज कैसे करना है। दोस्तों, इससे में जो दी गई चीज़ें हैं वो ताकत के लिए, पाचन क्रिया के लिए, बहुत सारी चीज़ों में काम कर साबित होती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में सिर्फ इसलिए आप तक पहुँचाई जा रही है ताकि किसी भी भाई के कबूतर जो है लकवे में, खासकर सोखे में आकर और किसी प्रकार भी उल्टी दस्त जुखाम खांसी होकर कबूतर बीमार हो जाते हैं, और भी कबूतर में बीमारी फैलने के चांस होते हैं, तो उनसे बचाया जा सके। तो अब शुरू करते हैं तीसरा उपाय। तो इस उपाय में हमें किस चीज़ का यूज करना है वो आप एक बार स्क्रीन में ध्यान से देखना। ट्विस्ट फिट नाम की एक चीज़ आएगी जो मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। इसको लकवा, उल्टी दस्त, सूखे में बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज़ करते हैं। 500 mg की जो यह होती है, इसके अंदर चार गोली सुबह और 4 गोली शाम को हमें इसको देनी होती है। कबूतर को बिल्कुल तंदुरुस्त होगा, 101% गारंटी के साथ इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और चौथा जो तरीका आपको दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों एक लीपी जैम टॉनिक होगा, वो 100 रुपये की बोतल आएगी 200 ml की, मेडिकल स्टोर से आप आसानी से परचेज कर सकते हो। तरीका है 2.5 से 3 ml, 5 ml या 3 ml आप डेली रूटीन में उसको दे सकते हो। हो सके तो 5 दिन में एक बार देंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनका एक मिश्रण, एक घोल है जो एनर्जेटिक होता है, जो ताकत देने के लिए बनाया गया है। इससे भी जो है हमारा हाजमा है वो सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, इसके साथ हमें दाना खिलाने की जो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से दाना खिलाना चाहिए। लीवर 52 को अगर हो सके तो हम पानी, फ्रेश पानी में वाटर में डाल दें, 1 रट्टा या 2 रट्टे ऐसे करके, और दाने को धोकर डाल लें, रोटी चूर कर खिलाए, समय समय पर खाना खिलाए। दवाई हमें समय पर देनी चाहिए, हो सके अगर गर्मी का मौसम है तो ग्लूकोज का पानी भी आप पिला सकते हो, और चना, दाना, मक्का, सरसों, बाजरा धोकर खिलाए। तो दोस्तों, ये सब ट्रिक्स, ये सब आपको जो इलाज बताए गए हैं ये बहुत आसानी से नहीं मिलते। आप आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।